गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज धर्मेंद्र कुमार एंड वेलकम टू द रघुवंश गवर्नमेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज मंडे है और आज हम लोग साइंस पढ़ेंगे और साइंस में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 11, दैट इज वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क और एनर्जी क्या होता है, ये हमने प्रीवियस क्लास में इसकी डेफिनेशन तो देख ली थी, ठीक है। ये थोड़ा सा चैप्टर है, इसमें न्यूमेरिकल्स ही मिलेंगे आपको और कौन सा एक्सरसाइज मिलेंगी, चलिए सब कुछ करेंगे। चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी का हम पढ़ रहे थे 11.1.2 साइंटिफिक कंडीशंस ऑफ वर्क। क्या होती है साइंटिफिक कंडीशंस ऑफ वर्क, क्या होती है टू अंडरस्टैंड द वे वी व्यू वर्क एंड डिफाइन वर्क फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइंस लेट अस कंसीडर सम सिचुएशन। कुछ सिचुएशन कंसीडर करते हैं यहाँ पे, क्या है पुश अ पेबल लाइंग ऑन द सरफेस, एक पेबल है जो कि सरफेस पर है उसको पुश करना है। द पेबल मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस, जो पेबल है वो डिस्टेंस मतलब थोड़ी सी डिस्टेंस मूव कर जाता है। यू एक्सर्टेड अ फोर्स ऑफ एन पेबल एंड द पीपल गॉट डिस्प्लेस्ड इन दिस सिचुएशन वर्क इन इज डन। तो इसी कंडीशन में क्या है द एक्सर्टेड अ फोर्स मूव ऑन अ पेबल ऑन द पेबल गॉट डिस्टेंस इज इन दिस सिचुएशन वर्क इन। इस सिचुएशन में क्या लगता है आपको, मतलब इस सिचुएशन क्या कि हमने किस चीज को मारा, सपोज ये चीज है हमने उसको ऐसे मारा तो ये हमने काम कर दिया, वो खिसक गई मतलब हमने काम कर दिया। अ गर्ल पुल्स अ ट्रॉली ऑन द ट्रॉली मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस, एक लड़की है जिसने ट्रॉली को पुश किया और ट्रॉली अपनी जगह से डिस्टेंस से थोड़ी सी मूव कर गई, तो उस कंडीशन में क्या लगता है अ गर्ल्स हैज एक्सर्टेड अ फोर्स इज ऑन द ट्रॉली एंड इट इज डिस्प्यूटेड देयर फोर वर्क इज डन। कुछ काम हुआ है, लिफ्ट अ बुक थ्रू अ हाई ऑन दिस यू मस्ट अप्लाई अ फोर्स दिस बुक्स राइज अप देयर फोर्स अप्लाइड ऑन द वर्क इन द, मतलब ये सिंपल सी चीज है कि अगर ये है इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर उठाया इधर किया इधर किया कहीं भी किया वो अपनी जगह से मूव हुआ तो हमको ऐसा लगता मतलब उस कंडीशन में क्या है काम हो चुका है, मतलब काम मतलब कि हमने उस पर कार्य किया है, मतलब हमने उसको फोर्स लगाया है और उस अप्लाई किया है वो अपनी उसकी फिजिकल फिजिकल पोजिशन में कुछ मूवमेंट आया है। अ क्लोजर लुक एट द अबव सिचुएशंस reveals that two conditions need to be satisfied from work to be done. A force should act on the placed and object must be displayed. If any one of the above conditions does not exist, work is done. This is the way we view work in science. A block of pulling art and a cart moves, therefore a force on the cart and the cart has moved. Do you think that work is done in the situation? एक ब्लॉक है उसने अपनी जो कार्ट है उस पर कुछ फोर्स लगाया वो मूव कर गई, तो इस कंडीशन में क्या लगता है आपको कि काम हुआ है, यहाँ पे एक्टिविटी दी है एक्टिविटी कि काम हुआ है कुछ, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है 11.2 थिंक ऑफ सम सिचुएशन फ्रॉम योर डेली लाइफ इन्वॉल्विंग वर्क, मतलब आप अपनी डेली लाइफ की कुछ सिचुएशन के बारे में सोचिए और उनको लिस्ट बनाइए। डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स वेदर वर्क इज बीइंग डन इन द सिचुएशन, और अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करिए उनको, ट्राई द रीजन आउट योर रिस्पॉन्स इफ वर्क इज डन विच इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर काम हुआ है तो उस ऑब्जेक्ट पर कौन सा फोर्स अप्लाई हुआ है इस बारे में डिस्कस करिए। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट इज व्हिच द वर्क इज डन, व्हाट हैपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑन व्हिच वर्क इज डन। एक्टिविटी 11.3 ये आपको अपने से पढ़नी है और एक्टिविटी आपके लिए होती है। 11.1.3 वर्क डन बाय अ कंटेंट फोर्स, कंटेंट फोर्स मतलब
कंटेंट फोर्स हमने शायद प्रीवियस क्लास में पढ़ा था और शायद प्रीवियस चैप्टर में ही पढ़ा था। हाउ इज वर्क डिफाइंड इन साइंस, साइंस की भाषा में वर्क कैसे डिफाइंड होता है, डू यू अंडरस्टैंड दिस, क्या ये समझते हैं आप? वी विल वी शैल फर्स्ट कंसीडर दिस द केस व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेट अ कॉन्टेंट फोर्स कॉन्स्टेंट फोर्स लेते हैं ऑफ एफ act on the object, let us object by displaced through a distance s, और उस force f force हमने लिया है, उस force को हमने किसी object पे apply किया और उसने वो s distance उसके through उसके कारण से उसने distance displacement हुआ उसमें। in this direction of the force force की दिशा में let w be work done by defined work to be equal of the product of the force and the displacement। तो इस कंडीशन में हम उसको वर्क का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जितना फोर्स हमने लगाया और जितना डिस्प्लेसमेंट उसमें ऑब्जेक्ट में हुआ वो हमारा उन दोनों का इनटू हम कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा वो काम होगा। समझे? यहाँ पे डायग्राम में देखिए आप कि यहाँ पे एक फोर्स ये ऑब्जेक्ट रखा है एफ, उसमें हमने फोर्स अप्लाई किया, उसमें एस उसका जो डिस्टेंस था उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो हमारा जो डब्ल्यू मतलब वर्क क्या होगा, एफ इंटू एस। तो इसको थोड़ा सा अपने से समझिए, दिस वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइंग ऑन द डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। वर्क हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। इन इक्वेशन 11.1 क्या है, w equals to f into s, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, फोर्स हमने 1 न्यूटन अज्यूम कर लिया और s मतलब जो डिस्प्लेसमेंट था वो हमने 1 मीटर अज्यूम कर लिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, w equal to in this here is a न्यूटन मीटर, इसको हम मतलब यहाँ पे वो कर रहे हैं इसकी क्या बोलते हैं इसको यूनिट फाइंड कर रहे हैं, तो न्यूटन इनटू मीटर्स की वो न्यूटन इनटू मीटर्स के इक्वेशन वो होती है यूनिट, या इसको हम बोलते हैं जूल। वर्क की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल होती है, याद रखिएगा या कम आएगी आगे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल है, कुछ क्वेश्चन से आपको अपने से पढ़ना है यहाँ पे, तो यही सेम चीज यहाँ पे आपको यहाँ पे देखेंगे। फिगर 11.4 में कंसीडर किया है सिचुएशन को, इसमें क्या है कि उसको पुल कर रही हो, पुल कर रही, तो हमने माइनस में एस कर लिया और माइनस में एफ कर लिया, तो उसमें क्या हुआ, इसको थोड़ा सा आप एक बार रीड करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थोड़े से कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, इनको आप अपने से करके देखिएगा। अब हम बात कर रहे हैं एनर्जी के बारे में, एनर्जी क्या होती है। लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी, एनर्जी के बिना लाइफ कोई पॉसिबल नहीं है, अस्तित्व नहीं है उसका। द डिमांड ऑफ एनर्जी इज एवर इंक्रीजिंग, एनर्जी की डिमांड बढ़ती जा रही है। देयर डू बी गेट एनर्जी फ्रॉम द सन इज ऑफ बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी टू अस, जो सूर्य है हमारे लिए वो एनर्जी का एक नेचुरल एनर्जी का एक बिगेस्ट सोर्स है। मेनी ऑफ अवर एनर्जी सोर्स आर ड्राइवन फ्रॉम द सन, वी कैन आल्सो गेट एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एटम्स, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड द टाइड्स। कैन यू थिंक द अदर सोर्स ऑफ एनर्जी, क्या आप अदर सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में सोच सकते हैं, तो सोचिए क्या क्या हो सकते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या क्या हो सकते हैं। जो ऑक्सीजन है वो भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसी से हमको ताकत मिलती है, और क्या है जो फूड है वो भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, उससे भी हमको ताकत मिलती है, और क्या है सोर्स ऑफ एनर्जी डीजल पेट्रोल है वो भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी कह सकते हैं आप लोग, और क्या सोचिए जरा, ऐसी बहुत सारी चीजें आप सोच पाएंगे जब आप सोचेंगे तो।
In other, in other, in words, energy is very often used in our daily life. तो इससे आगे हम इसको एक्टिविटी 11.5 को हम आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आपके लिए होमवर्क ये है कि जो आप हमने मैंने आपको जो है